घोषणा, कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी का वायनाड छोड़ना, इसके क्या मायने हैं? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी वायनाड से ये बहुत ही शानदार निर्णय है, बहुत तार्किक निर्णय है और पार्टी को की जो मौजूदगी है केरल में उसको और ताकत देने वाला निर्णय है। वायनाड, रायबरेली और अमेठी ये देश के वो संसदीय क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस के साथ साथ इस गांधी परिवार का एक संबंध है। मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मानता रहा हूं कि रायबरेली सीट को ही राहुल गांधी रिटेन करेंगे। उसके मैं दो कारण मानता था कि एक तो राहुल गांधी की उम्मीदवारी की राहुल गांधी को लेकर सीट छोड़ते समय सोनिया गांधी को रायबरेली की जनता के नाम लिखी गई चिट्ठी, और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जब ये कहा कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ और जिस तरीके से आपने पूरे परिवार का ख्याल रखा है आप मेरे बेटे का भी ख्याल रखेंगे जी, तो यह मेरा अपना मानना था कि जो बॉन्डिंग, जो व्यक्तिगत बॉन्डिंग, जो एक संबंध डेवलप किया कांग्रेस और के प्रथम परिवार ने, उसको बढ़ाते रहने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, यह रायबरेली से कोई ऐसा नहीं कि आज का संबंध है इस परिवार का, ये लगातार वहां से सीट जीतते रहे और लोगों ने उनको बड़ा जबरदस्त उनको जन समर्थन भी दिया। एक बार 1977 को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही कभी गांधी नेहरू परिवार का कोई उम्मीदवार वहां से हारा हो। वो स्थिति रायबरेली की अमेठी की भी है, अमेठी से लगातार लोग जीतते रहे हैं। एक तो एक बार संजय सिंह को अगर बात की छोड़ दिया जाए उसमें गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था, और राहुल गांधी का 2019 का चुनाव, ये दो सीटें, और वायनाड जाकर के राहुल गांधी ने आज के कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा जनाधार तैयार किया जी। जिस तरीके से एक मजबूत जीत मिली वायनाड में इस बार भी 2024 के भी चुनाव में, उस समय जब CPI के एक मजबूत नेता की पत्नी वहां उम्मीदवार थी जो स्वयं भी बहुत लोकप्रिय है, बावजूद इसके लोगों ने वहां पे राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार चुना। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा मत रहा है कि अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे वायनाड और वहां से प्रियंका गांधी को ही लड़ना होगा। लोग बार बार करुणाकरण जी के बेटे का नाम ले रहे थे जो कि चुनाव लड़े थे गोपी जी के, सुरेश गोपी के खिलाफ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता था कि वहां पे प्रियंका गांधी ही लड़ेंगी, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र के साथ जो आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है, एक व्यक्तिगत रिलेशन जो डेवलप हो जाता है, परिवार का जो संबंध डेवलप हो जाता है, उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो आप कर और अगर आप अपने संपर्क बनाए रखते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए संपर्क हो जाता है जी। यार यह इंदिरा गांधी भी मेडक से लड़ी, चिकमंगलूर से लड़ी, लेकिन सोनिया गांधी भी लड़ी, लेकिन वह रिलेशन नहीं डेवलप हो पाया जो रिलेशन राहुल गांधी ने वायनाड के साथ डेवलप कर लिया, या जो रिलेशन राहुल गांधी ने अमेठी के साथ डेवलप किया। तो यह जो निर्णय है कांग्रेस का, और दूसरी चीज कि कांग्रेस परिवार की उपस्थिति का वायनाड में जो आगे की स्थिति बनेगी, माने जो केरल राज्य में UDF के मौजूदगी का जो सवाल है वो पूरी तरह से मजबूत होगा, मतलब कांग्रेस को फायदा होगा उससे, और कांग्रेस ये संदेश देने में सफल रहेगी कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने का मतलब मौका परस्ती नहीं है, बल्कि अपनी सगी बहन को या परिवार के केंद्र नेतृत्व में से किसी एक व्यक्ति को मैदान में उतारना है। गोया कि अपने मजबूत संबंधों को राज्य की जनता के साथ, वायनाड की जनता के साथ पुनः परिभाषित करने की एक कोशिश है। करुणाकरण के पुत्र भी अगर चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को ऐसा नहीं था कि वह चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और केरल में आप देख रहे हैं कि लगभग अधिकांश सीटें कांग्रेस या UDF के लोग जीत करके आए हैं, लेकिन एक 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 संसदीय क्षेत्र के साथ जो संबंधों की बात है और उन संबंधों को दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ करने की बात है, उस प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता हुआ निर्णय है, और परिवारवाद, अविवाहवाद के आरोप का कोई मतलब नहीं है। यह इस आरोप से डर करके कांग्रेस अगर निर्णय लेती है तो कांग्रेस का यह जो प्रथम जो परिवार है वह अपने त्याग और बलिदान के कारण राजनीति में है, वह ऐसा नहीं है कि बिना जन समर्थन के किसी ने एक CEO की तरह से उनको नॉमिनेट कर दिया और अपने पद पर बने हुए हैं। आपको लोगों ने जनता ने समर्थन दिया और उस जन समर्थन के साथ आप राजनीति में हैं, तो वो उसका कोई माने नहीं है। वह केरल में यह निर्णय UDF के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, और उसी तरह से राहुल गांधी का रायबरेली में रहना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति आवश्यक है।
जो इंडिया दल समूह ने एक अपना राजनीतिक आधार उत्तर प्रदेश बनाया है और जो लोगों को अपनी तरफ से आकर्षित करने में सफल रहा है, वो उसके लिए आवश्यक था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से बने रहते, क्योंकि अभी जिन संघर्षों की आवश्यकता है, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, लोगों के मुद्दों के साथ सड़कों पर संघर्ष करना है, उसके लिए राहुल गांधी की मौजूदगी आवश्यक है। तो राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश या हिंदी बिल्ड के या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो पार्टी का विस्तार करना है या गठबंधन का विस्तार करना है या इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता को और बढ़ाना है, उसमें राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि जब कोई बड़ा नेता उस इलाके में मौजूद होता है तो आप पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, सक्रियता बढ़ती है, और मेरा अपना यह मानना है कि जो एक राजनीतिक लक्ष्य है उसको पाने में मदद मिलती है। ये दोनों निर्णय, इन दोनों निर्णयों को मैं कांग्रेस के पक्ष में मानता हूँ और इंडिया दल समूह के को ताकत देने वाला मानता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ डॉक्टर सुनील शुक्ला जी। मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन सोनिया गांधी होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं बनेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे यह पद। मेरा अपना यह मानना है, जितनी मेरी जानकारी है, कि गौरव गोगोई विपक्ष के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता वही बनाए जाएंगे। और मेरा अपना यह भी मानना है कि अगर गौरव गोगोई भी विपक्ष के नेता बनते हैं तो एक तेज तर्रार और आक्रामक नेता विपक्ष का नेता होगा, जिसके पास संसदीय अनुभव है, जो बहुत अच्छे भाषण करने वाले और तत्परक बात करने वाले व्यक्ति हैं। मेरी जानकारी के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बनेंगे। विपक्ष के नेता का यह सरकार कितना सम्मान करती है, आप पीछे देख ली, विपक्ष के नेता तो खड़गे साहब है राज्यसभा में, किस मौके पर उनकी कितनी बात सुनी गई, या सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी जब विभिन्न नियुक्ति समितियों में रहे हैं तो उसमें कितनी बात उनकी सुनी गई। राहुल गांधी की आवश्यकता इस समय सड़कों पर है, अभी भी सड़कों पर है। अभी 3 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, और तीनों राज्यों में इंडिया दल समूह की प्रतिष्ठा दांव पर है। और राहुल गांधी ने किसी पद पर रह करके नहीं, सड़कों पर निकल करके ही विपक्ष की विश्वसनीयता बनाई है, सड़कों पर निकल करके ही लोगों का विश्वास अर्जित किया है, और सड़क पर निकलना ही इस समय राहुल गांधी की जरूरत है। लोग उनको उसी निगाह से देखते हैं, उनकी प्रेजेंस, उनकी विजिबिलिटी बहुत ही आवश्यक है, खासतौर से एक संघर्ष करते हुए नेता के रूप में देखे जाने की। विपक्ष के नेता के रूप में जितनी बड़ी उनकी भूमिका होगी, उसे एक सामान्य सदस्य के रूप में भी उनकी भूमिका कम नहीं होती। एक वरिष्ठता के क्रम में भी कई बार के सांसद हो गए, तो सदन के भीतर उनकी अवहेलना नहीं हो सकती। लेकिन अगर विपक्ष के नेता होते हैं तो फिर पार्टी उस परिवारवाद के आरोप से घिरेगी कि पद लेने के लिए, ऐसे पद जो अनायास दिए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी पर भी बात होगी, लेकिन प्रियंका गांधी जनादेश लेने के लिए जा रही है, प्रियंका गांधी को कुछ मनोनयन या नियुक्ति नहीं हो रही है। पार्टी के सांसदों में की उपस्थिति में विधायक दल का नेता चुन लिया जाना, संसदीय दल का नेता चुन लिया जाना, ये प्रतिपक्ष नेता चुन लिया जाना, ये फिर बीजेपी के टारगेट पे आएंगे और इससे बहुत लाभ नहीं होगा। राहुल गांधी को न तो राजनीतिक लाभ होगा, न कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा, न इंडिया दल समूह को कोई राजनीतिक लाभ होगा। राहुल गांधी की सदन में उपस्थिति ही कांग्रेस के भी लाभप्रद है और इंडिया दल समूह के लिए भी लाभप्रद है। रही बात लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की, लोकसभा अध्यक्ष में जो परंपरा है, जब गठबंधन की सरकारें रही हैं तो बड़ी पार्टी रही है उसके अपने अन्य सहयोगी दलों को विपक्ष अपना लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। आप याद कीजिए, जब कांग्रेस समर्थन दे रही थी यूनाइटेड फ्रंट को, राजीव गांधी ने सरकार नहीं बनाई थी, यूनाइटेड फ्रंट ने सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता को संगमा साहब को अध्यक्ष बनाया। अब आप आगे आइए, जब एनडीए की सरकार बनी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने टीडीपी के नेता को अपना अध्यक्ष बनाया और बाल योगी साहब उसमें अध्यक्ष बने रहे। इसके अलावा यूपीए की सरकार का, जब कांग्रेस लीडरशिप में थी और वह कांग्रेस की सरकार चल रही थी वामपंथी दलों के सहयोग से,
सोमनाथ चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष नहीं बने। इसके बाद अगर आप 2009 में केवल एक ऐसा उदाहरण मिलता है जब यूपीए की सरकार थी और मीरा कुमार अध्यक्ष थी, कांग्रेस के नेता मीरा कुमार को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उस समय के तथ्य बताते हैं कि यूपीए का कोई भी सदस्य न तो इसका विरोध किया था और न अध्यक्ष बनने की मांग की थी। इसके अलावा अपने गठबंधन के सदस्यों के बीच एक विश्वास बनाए रखने के लिए, देश की जनता के बीच या संदेश देने के लिए कि गठबंधन के सदस्यों के बीच में एक सहमति है, एक व्यवहारिक और प्रशासनिक समझ है जिससे वह आपसी समझदारी के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं। गठबंधन के व्यक्तियों को अगर आप लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं तो यह संदेश जाता है और यह जिम्मेदारी अब बीजेपी की है कि वह लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। अगर वह अपना अध्यक्ष अभी बनाने का की कोशिश करती है तो गोया कि उसको अपने सहयोगी दलों पर विश्वास नहीं है, गोया कि उसको इस बात का अंदेशा है कि उसके सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। ये साफ संदेश जाएगा अगर आप लोकसभा अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष पद के छोड़ने का मतलब कि सरकार के कामकाज में, सरकार के कामकाज को अपने अनुकूल चलाने की कोशिश, उसमें सहमति का वह स्थान नहीं रह जाता, विमर्श का वह स्थान नहीं रह जाता जब आपके सहयोगी दल का कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगर ये उपाध्यक्ष टीडीपी का बनाना चाहते हैं तो सत्तारूढ़ दल का हुआ। टीडीपी कोई ऐसा दल नहीं है जो बाद में समर्थन देने के लिए आया या चुनाव के बाद जिससे बीजेपी का संबंध गठबंधन हुआ हो। टीडीपी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ चुका था, इसलिए वह सत्तारूढ़ दल का सहयोगी है। वह ऐसा नहीं है कि बाहर समर्थन दे रहा हो या चुनाव के बाद वह बीजेपी के समर्थन में उतरा हो। तो वह टीडीपी को चाहे जेडीयू को अगर विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है तो वह उस परंपरा का निर्वहन नहीं होगा जो विपक्ष को दिए जाने की परंपरा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नैतिकता और परंपरा पर कितना विश्वास करते हैं वो हमारे आपके सामने है, लेकिन यह जरूर है कि विधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर के इंडिया दल समूह को एक दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए, अपना दावा रखना चाहिए, और अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार उतारता है तो उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, और नहीं तो अपना उम्मीदवार भी लड़ा करके कम से कम देश के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, इस सरकार से जो जूझने संघर्ष करने का अभियान लेकर के इंडिया दल समूह चला है वह अभी भी बहुमत न प्राप्त होने के बावजूद अपने दावेदारी या अपने संघर्ष की जो का जो संकल्प है उससे पीछे नहीं है। और यह जो चुनाव होगा मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी कि इंडिया दल समूह अपने को इंडिया के सहयोगियों को अपने खेमे में लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार प्रयासरत है। एनडीए के समूह यानी जो घटक दल हैं उनमें से कुछ